अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड वेलकम बैक टू माई व्लॉग बीइंग अ ट्रैवलर। और इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ कायरो और मिस्र के अंदर। कायरो के इस वक्त मैं बहुत ही मशहूर बाज़ार का आज आपको विज़िट कराने लगा हूँ, खुद भी टूर करता हूँ और आपको भी बताता हूँ। तो हम विज़िट करेंगे आज कायरो का सबसे मशहूर और सबसे पुराना बाज़ार जिसका नाम है खान अल खलील बाज़ार। ये उसका बिल्कुल स्टार्ट है। मेरे साइडों पे आप देख रहे हैं इस वक्त आपको कुछ शॉप्स वगैरह नज़र आ रही हैं, आगे कुछ म्यूज़िक भी है, कुछ शोर भी है। तो आगे जाके आपको दिखाता हूँ ये क्या है बाज़ार, कितना पुराना है, थोड़ा सा आगे दिखाते हैं और इसकी आपको शॉप्स दिखाता हूँ। आपको जितना भी कल्चर है मिस्र का आपको इसमें इधर देखने को मिलेगा। यार ये यहाँ पे माहौल है इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये गाने नहीं है बाय द वे, इनके अंदर मैं जब सुन रहा हूँ तो या रसूलल्लाह और या हुसैन इस तरह के अल्फाज मुझे सुनने को मिल रहे हैं। तो ये सूफियाना कलाम है बेसिकली, और उसकी जो दोनों लड़कियाँ इधर जो गा भी रही हैं उनकी आवाज़ और उनके स्टाइल से पता चल रहा है ये सूफियाना स्टाइल के अंदर गा रही हैं। तो अभी हम बाज़ार की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सारे के सारे हमें अब खाने की जगह नज़र आ रही हैं। बिल्कुल एक फूड स्ट्रीट सी बनी हुई है और इधर यहाँ पर इनके कुछ लोकल खाने हैं। ये कीमे वाला पराठा सा मुझे लग रहा है, चिकन फील्ड हवाउशी महशी लहम मफरू। ये देखें ये दिखा रहे हैं अंदर मफरू चिकन है या बीफ है, चिकन मफरू। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया है खान अल खलील बाज़ार और ये सबसे पुराना बाज़ार, सबसे फेमस बाज़ार अगर कोई है मिस्र के अंदर तो वो ये है कायरो के अंदर। तो यहाँ पे जितने भी आपको ममीज से रिलेटेड और जो फिरौन के और जितने भी इनके वो हैं सोवेनियर्स वगैरह वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा नफीस और अच्छे खूबसूरत बने हुआ आर्ट आपको यहाँ पे नज़र आता है। ये देखें फ्रिज मैग्नेट्स भी हैं इधर काफ़ी ज़्यादा, अहराम के, मिस्र के और जो इनके फिरौन की जो ममीज हुआ करती थी ये सारी आपको यहाँ मिलती हैं। तो इस बाज़ार में फॉरनर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता है, जो दूसरे बाज़ार थे वहाँ इतने नहीं होते। ये देखें माहौल इन्होंने पूरा दिया होता है, पतली पतली गलियाँ यार ये देखें बहुत ज़बरदस्त। और ये देखें मम्मी के स्टैचूस और ये फिरौन की मम्मीज। और ये आपको कीड़े देख के कुछ याद आया, मम्मी द मम्मी मूवी जो आई थी उसमें ये कीड़े ज़िंदा हो गए थे, ये इन्होंने दिखाया इसमें। ये है जो एक्चुअल में कलर हुआ करता था उस ज़माने में जितने भी ये जो ममीज बनाई जाती थी उनका। तो ये जो बहुत फेमस है अल खफरे का फिरौन का जो पड़ा हुआ स्फिंक्स के नाम से, ये बिल्कुल वही पेंट उसको ये भी किया गया था। तो ये माँ बाप को इस गली का एक राउंड दिखा रहा हूँ, खान अल खलील बाज़ार। ये देखें इन्होंने तराश के अब लोगों के जो घरों में रखने के लिए इन्होंने उसी तरह तराश के मिट्टी से ये बनाए हुए हैं सारे। तो आपको यहाँ पे सारा मिस्री लिबास और बच्चों का और ऊपर इन्होंने सारा छपा हुआ है जितने भी मम्मीज़ वगैरह होती हैं। ये देखें और कितनी बड़ी बड़ी मम्मीज़ पड़ी हैं यहाँ पर। यार ये एक और मैं आया हूँ गली के अंदर, माहौल है यार इधर आपको मिल रहा। ये देखें ये छोटे छोटे से कावे खाने बने हुए हैं और म्यूज़िक चल रहा है। हाँ हाँ क्या म्यूज़िक है। आवाज़ भी बड़ी ज़बरदस्त है और जो वो बजा रहा है अपना ड्रम वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये पूरे बाज़ार में आपको जगह जगह पे कावे खाने बने हुए हैं ये आप देखें, और हर टेबल पे आके ये लोग म्यूज़िक बजा के आपको एंजॉय करवा रहे हैं। अच्छा बहुत ज़्यादा शोर हो गया यार। ये है अल फिशवी कहवा, ये जगह सबसे मशहूर है असल में अल खान अल खलील बाज़ार की।
यार ये है यहाँ का माहौल, और ये जो गली है यहाँ की सबसे मशहूर है, इसको फिश वे कावे खाना भी कहते हैं, और इसलिए यहाँ पे सब लोगों को रिकमेंड किया जाता है क्योंकि आपको यहाँ पे एक गली के सामने बैठ के जो कावा पी रहे हैं लोग, इधर म्यूज़िक बज रहा है, तो एक इधर पूरा आपको जो है मिस्री कल्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने देखा है लोग वो जो ड्राई फ्रूट और वो जो सूरजमुखी के बीज वगैरह बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो मुझे अब इधर से सोवेनियर्स वगैरह लेने हैं, लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो अभी हम देखते हैं ज़रा रेट्स वगैरह कंफर्म करके ना, जो सबसे हमें चीप मिलेगा फिर हम वहाँ से ख़रीदेंगे। फ्रिज मैग्नेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं आपको यहाँ पे नज़र आते, और जो टेबल के लिए हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। कपड़े वैसे इधर मुझे ज़रा कम नज़र आ रहे हैं, और उसके मुकाबले में जितने सोवेनियर शॉप्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हैं, और जो कैफ़ेज़ हैं वो जो उन्होंने इधर माहौल बनाया हुआ यार वो बहुत ही मज़ेदार है। ये देखें, ये एक बहुत बड़ा कैफ़े आया है, इसका नाम है जी कैफ़े रेस्टोरेंट उम कलसूम कहवा खाना। ऊपर बहुत पुराने घर हैं, और ये आप देखेंगे 14वीं सदी के सारे घर हैं, और उनके दरमियान में बाज़ार है। अंदर मेरे ख्याल है लाइव म्यूज़िक बाजार है, वो वहाँ पे इसने अपने के साथ अटैच किया हुआ है। दिखाऊँ आपको, ये सिंगर भी है साथ। है वो कीड़े जो आपको मम्मी मूवी में दिखाते हैं, ये पत्थर के बने हुए हैं। ये कितने का कह रहे हैं? 25 का। ये 25 का ठीक है। हाँ, ये वाला ठीक है, ये ले लेते हैं। ये हमने लिया है एक अबुल हॉल, जिसको खफरे का कहते हैं, स्फिंक्स जो इसने बनाया था अपना मुजस्मा, और इसके साथ पीछे उसका अहराम, ये हमें मिला है। हमने पैकेज में लिए हैं ये सारे, काफ़ी मैंने अहराम ले लिए लोगों को कुछ गिफ्ट देने के लिए भी, और मिस्र की निशानी सोवेनियर्स, तो ये मुझे 200 के मिल गए हैं, ऑलमोस्ट 10 से मल्टीप्लाई करें तो 2000 के, 4-5 इकट्ठे ले लिए हैं। तो बाकी भी इधर हैं काफ़ी, जो बहुत हाई क्वालिटी के हैं ना, ये बहुत महंगे देते हैं आपको, 5-5 हज़ार रुपये के, 10-10 हज़ार के भी ये देते हैं, और बाकी अच्छी क्वालिटियाँ हैं इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा ये फ्रिज मैगनेट्स हैं, ये भी मैं लूँगा, अच्छे हैं ये बने हुए हैं इजिप्ट के। ये भी कैफेज हैं यहाँ पे। अच्छा, ये कैफ़े वो हैं जहाँ पे बहुत ही सुकून का माहौल है, हल्का सा म्यूज़िक है। तो फातिमी पीरियड का जो उनका वज़ीर था, उसने उसका नाम था खान अल खलील, जिसने फिर इसको यहाँ पे ये पूरा बाज़ार जो है बनवाया, और उसने पूरा ट्रेडिंग का हब जो था अफ्रीका का भी और ओवरऑल मिस्र का भी, उसमें इसने इस बाज़ार को अपना हब बनाया, और तब से जो है वो ये आज तक पूरे के पूरे कायरो की पहचान है ये बाज़ार। तो आगे चलते हैं, आपको मज़ीद दिखाते हैं इस बाज़ार की रौनक और इस बाज़ार का जो कल्चर आपको देखने को मिलता है। ये देखें, वो पुराने पुराने ऊपर पत्थर से अल्लाह भी लिखा हुआ है, और ये बहुत पुराना पत्थर लगा हुआ है, और ये अगर आप देखें तो ये वो मीनार आपको साथ नज़र आ रहा है, मस्जिद इमाम हुसैन का। ये बाजार ये मैंने आपको दिखाया अल खान अल खलीली बाज़ार, और अब मैं आपको लेके जाने लगा हूँ एक और इनकी फेमस स्ट्रीट, जिसको कहा जाता है अल मोइज़ स्ट्रीट, जो कि कायरो की एक और बहुत मशहूर स्ट्रीट है। तो वहाँ पे भी जाके देखते हैं क्या डिफरेंट है, वो भी देखते हैं, क्योंकि कायरो के लोगों ने रिकमेंड किया है कि आपने
खान अल खलीली बाज़ार भी जाना है और मोई स्ट्रीट को भी जाके आप एक्सप्लोर ज़रूर करें। तो ये खान अल खलील बाज़ार का जो बाहर वाला एरिया ये वो है। तो मोई स्ट्रीट तो हम जाएंगे बाद में, लेकिन ये इधर मुझे एक कुनाफे का स्टॉल नज़र आ गया जो कि देखने में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर इन्होंने ऑरेंजिश कलर बनाया हुआ, नॉर्मली गोल्डन होता है लेकिन ये हमें ऑरेंज ऑरेंज और रेडिश नज़र आ रहा है। तो लेते हैं इसे एक छोटा सा पीस। तो ये 20 का एक पीस दे रहा है, 20 पाउंड्स का, जो कि पाकिस्तानी आप समझ लें कि 200 रुपया हो गया। ये पीस है, नीचे इसके चीज़ होती है, ऊपर आप यूँ समझ लें जैसा ओहो हो हमारी सवैयाँ होती हैं ना, या फ्योनियाँ होती हैं, ये बिल्कुल वो है। ये इसने ऊपर शीरा डाला है ऊपर, और ये अब हम टेस्ट करते हैं। ये है कुनाफा, ओहो स्ट्रेचेबल है, ये देखें ओहो। सिंपली अमेजिंग। ओके हबीबी, माशाल्लाह, शुक्रन, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया यार। ये जो आपको जेन्युइन टेस्ट मिलता है ना यहाँ पे, आल्दो ये अरब नहीं है लेकिन आपको पता है कि कुनाफा जो है मेन फ़लस्तीन का ही मशहूर है, और वहीं से निकल के फिर सारी जगहों पे ये फैला भी हुआ है। तो ऑब्वियसली मिस्र उसके बिल्कुल साथ ही है, तो यहाँ पे भी आपको वो टच नज़र आता है। मिस्र जो है एक्चुअल में जो जिस तरह आप इस्तांबुल को देखते हैं कि इस्तांबुल या टर्की दो कॉन्टिनेंट्स में आई है मुल्क, जैसा कि आधा यूरोप के अंदर आधा एशिया के अंदर, तो इस मुल्क की भी यही खासियत है कि ये आधा मुल्क जो है वो एशिया के अंदर है और आधा अफ्रीका के अंदर है। तो जो इसका वो वाला बॉर्डर है, जो इसका ईस्ट साइड वाला बॉर्डर है, वो आपका एशिया के अंदर है, जो आपका इसराइल और फ़लस्तीन को लगता है, और उसके बाद जो इस वक्त जो कायरो में हम हैं, ये हम अफ्रीका के अंदर घूम रहे हैं। तो एंटर हो गए हैं अब हम अल मोई स्ट्रीट, जो कि अगर आपको मैं बताऊं तो ये एक्चुअल में सबसे पुरानी अगर देखा जाए तो मिस्र की ये स्ट्रीट है। यानी आप यूँ समझें कि जब मिस्र फ़तह हुआ 7वीं सेंचुरी में, हज़रत अमर बिन आस ने इसको फ़तह किया, जो सहाबी रसूल थे और जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा जंगें लड़ी थी, उसके बाद बनु अब्बास का दौर आया, और बनु अब्बास के बाद जो फातमी पीरियड था 10वीं सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हो गया था। तो फातमी पीरियड में जो पहला बाज़ार और पहली स्ट्रीट कायम की थी वो एक्चुअल में ये थी, जो उनका खलीफा था, तीसरा खलीफा था आई थिंक अल मोईज़ के नाम से, उसी के नाम से ये पूरी स्ट्रीट है। यहीं पर उनके सारे हरम भी हैं और मसाजिद भी हैं, मदरसे भी हैं, बाज़ार भी हैं। और जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको खान अल खलील बाज़ार दिखाया था, वो अगर आप देखें मैप में, आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ अगर आप वीडियो में देखें, ये पूरी लंबी सी एक स्ट्रीट है और इसके चारों तरफ, चारों तो नहीं, दोनों तरफ लेफ्ट और साइड के ऊपर आपको काफ़ी इनकी जो हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं, जो देखने वाली जगह हैं, वो आपको नज़र आएंगी। तो इन्हीं में से एक स्ट्रीट निकलती है जो कि खान अल खलील बाज़ार था, तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी स्ट्रीट है जो कि उस ज़माने में बनाई गई थी। तो हम अब इस वक्त गुजरें, क्योंकि रात हो गई है, तो कुछ शॉप्स मुझे देखें यहाँ पे बंद भी नज़र आ रही हैं और कुछ खुली हुई हैं, तो ये सारी यहाँ पे ज्वेलरी ही ज्वेलरी ज़्यादातर मुझे नज़र आ रही है अभी तक। बिल्कुल ऐसे जैसे लाहौर में रंग महल और सुआ बाज़ार आप कहते हैं ना, ये मुझे उसका थोड़ा सा टच आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी खुली है। पत्थर भी आप देखें उस ज़माने का, काफ़ी पुराना ये लगा हुआ है नीचे, लेकिन जो एक्चुअल है वो ऊपर अगर मैं देखता हूँ ना, वहाँ पे आपको तारीख़ी यूँ समझ लें कि कितने 1300 साल पुरानी, आलमोस्ट 1000 साल पुरानी, ये फातमी पीरियड का ही है। ये इधर जितना भी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है फातमी पीरियड का ही नज़र आ रहा है। तो ये देखें मोई स्ट्रीट में चलते चलते ये एक बहुत बड़ा पैलेस आ गया, इसको कलावून पैलेस भी कहते हैं, ये भी फातमी पीरियड के अंदर ही बना हुआ है। मीनार आप देख रहे हैं कि वो मुस्लिम आर्किटेक्चर का एक जो नमूना होता है वो आपको ज़रूर नज़र आता है, और साथ मस्जिद भी ज़रूर होती है आपसे। तो आपको थोड़ा थोड़ा टच ना इस्तकलाल स्ट्रीट और जो इस्तांबुल का ओल्ड सुल्तान फ़ातेह एरिया है, वो आपको थोड़ा फील होता है यहाँ पर, लेकिन डिफरेंस ज़रूर है वो जो ऑटोमन्स के स्ट्रक्चर में और जो फातिमीद की ये बिल्डिंग्स हैं। तो मैं एक एक चीज़ को बहुत गौर से देख रहा हूँ कि एक एक पत्थर जो जिस जिस ज़माने का लगा होता है ना, वो फिर आपको याद हो जाता है कि यार ये उस ज़माने की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, ये उस ज़माने की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। यही मज़ा आता है ट्रैवलिंग में कि आप चलते फिरते आपको जो हिस्ट्री साथ साथ याद हो रही होती है, अपनी आँखों से जो देख के आपको पता चलता है ना, उसका एक अपना ही मज़ा है।
इसके बाहर कोई तख्ती लगी तो हुई है शाराए अलमोजुद्दीन अल्लाह, ये वही लिखा हुआ है अलमोइज, और ये आई डोंट नो क्या है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, इतना नफीस पत्थर हाथ से गुंदा करी हुई है कि यार आपको यकीन नहीं आता इतना खूबसूरत है। बहुत ही इन्होंने इधर लाउड म्यूज़िक लगाया होता है पूरे ही स्ट्रीट के अंदर, ये देखें हर एक ने अपना अरेबिक म्यूज़िक लगाया हुआ है यहाँ पर। ये ले रहे हैं यार हम इनका एक ट्रेडिशनल लोकमा, गुलाब जामुन की तरह ही होता है और ये डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, ये देखिए इन्होंने डाले हुए हैं यहाँ पर, तो ये ऊपर डाल रहा है, ये इसने चॉकलेट डाल दी, ये ऑयल में फ्राई करके ना इसको मीठे शीरे के अंदर ही डाला, जैसे हमारा गुलाब जामुन होता है ना, ये टर्की में भी आपको मिलता है, ये भी इसी तरह की चीज़ ही मिलती है आपको। ये एक अच्छा ये हमें मिला है 20 का, ये बड़ा जो दे रहा था यार ये वैसे बहुत बड़ा था, ये 30 का दे रहा था 300 का, तो हमने कहा यार टेस्ट करवाओ सिर्फ, तो उसने टेस्ट के लिए ये बना दिया, लेकिन कहता है 20 का है, चॉकलेट लगा के दिया। मज़ेदार चॉकलेट हो, और क्योंकि अंदर इसके अंदर बिल्कुल पाकिस्तान, हाँ थैंक यू, तो अंदर ना बड़ा एरी है, फ्लफी है, जिस तरह बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था हमारा गुलाब जामुन, अंदर पूरा गुदा होता है ना, ये नहीं है, इसके अंदर हवा है। ऐसे स्ट्रेची है लिक्विड, ये चम्मच से देखें ऐसे डाल रहा है, ये नीचे फ्राई कर रहा है, लाइट सा ऑयल है, बहुत तेज नहीं है बल्कि हल्की आंच पे ही है, ये इस्म अब्दुल रहमान माशाल्लाह, बिलाल। तो ये है देखिए बहुत बड़ा दरवाज़ा एंट्रेंस का अलमोई स्ट्रीट का, ये वो बाज़ार है या ये वो अलमोई स्ट्रीट है जो कि फातमी पीरियड का जो इधर वज़ीर था जिसका नाम अलमोइज़ था, मिलिट्री लीडर था, आप यूँ समझ लें कमांडर था इस एरिए का, और उसने ये अलमोइज़ स्ट्रीट बनाई और ये उसकी एंट्रेंस है और यहाँ से आप एंटर होते हैं। तो बाज़ार में फिरते फिरते अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ टूर करवाने मस्जिद अल या हुसैन। अच्छा अब ये इसका नाम भी अगर आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है बाहर मस्जिद इमाम हुसैन, और इसके बाहर नीचे यहाँ पर एक पूरा बाज़ार है, और अगर मैं इस तरफ आता हूँ तो इस तरफ एक बाज़ार है। अब ये मस्जिद क्यों मशहूर है, ये मस्जिद इसलिए मशहूर है कि कहा जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन को जब शहीद किया गया और उनका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया गया, तो वो जो हज़रत इमाम हुसैन का सर है वो इस जगह के ऊपर इन्होंने सेव रखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग ये कहते हैं, यहाँ के लोकल लोग कहते हैं, इसके बारे में अल्लाह बेहतर जानता है कि वो है या नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जो सर इमाम हुसैन है वो यहाँ पर दफन है। तो हम अंदर जाते हैं, आपको इस मस्जिद का टूर भी करवाते हैं और साथ साथ मज़ीद दिखाते हैं कि इसके बारे में लोग क्या कहते हैं। यार यहाँ पे बहुत लोग तंग कर रहे हैं यार। तो यार ये हम मस्जिद के अंदर आ गए हैं और
बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, और जो मुझे रिजेम्बलेंस नज़र आ रही है वो बिल्कुल जो आपको मदीना मुनव्वरा के अंदर और इवन जो हमारे मक्का के अंदर भी जो फ़नूस लगे हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही फ़नूस आप देखें आपको जो हरम की मस्जिद है आपको नज़र आती हैं, तो देखने में आपको बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है। इवन ये देखें मेहराब भी बने हुए हैं, ये भी उसी से मिलते जुलते हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में भी बताया कि जो मिस्र है यहाँ पे फातिमी गवर्नमेंट रही थी, जो फातिमी पीरियड था एम्परर्स का, वो क्योंकि अहले तशी थे तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको अहले बैत की तरफ से जो उनकी अशिया हैं, उनकी चीज़ें हैं, उनके मज़ार हैं, उनसे रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो ये वो जगह है, मैं आपको अंदर लेकर जा रहा हूँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन का जो सर मुबारक है वो यहाँ पे दफन है। या अल्लाह, ये वो जाली है जिसके बारे में अंदर एक कब्र बनाई गई है और सब लोग जाली के बाहर खड़े होकर दुआ कर रहे हैं। अंदर एक बड़ी सी कब्र बनी हुई है और कुरान मजीद भी मुझे अंदर नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है अंदर से, मिस्र के अंदर कहा जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन का जो सर मुबारक है वो यहाँ पे दफन है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है, अल्लाह आलम, लेकिन यहाँ के लोगों ने यहाँ इस जगह पे ये मशहूर किया हुआ है क्योंकि इसके बारे में मुख्तलिफ जगह का क्लेम है कि जो हज़रत इमाम का सर मुबारक है वो या मदीना में है या कूफा में है, क्योंकि काफ़ी जो शहादत हुई थी वो तो इराक़ के अंदर हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर शायद लाया गया था, या कुछ लोगों का क्लेम है मदीना ले कर जाया गया था या फिर कूफा में या इराक़ के अंदर। इस बारे में तो मैं नहीं कंफर्म कि क्या वाकई हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जो सर मुबारक है वो यहीं पे दफन है या कहीं और है, लेकिन इस बारे में हमें यकीन है कि जो भी हुआ हमारे अहले बैत के साथ बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया गया, हमारे अहले बैत और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है उसको कत्ल किया गया बहुत तशद्दुद के साथ। और इस मौके पे मुझे यहाँ पे विज़िट करते हुए गदीर खुम की वो हदीस याद आ रही है, जब पता जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे वापस गदीर खुम के मुकाम के ऊपर एक खुतबा दिया और वहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और मेरे अहले बैत, और मेरे अहले बैत के साथ उसने सलूक करना, मेरे अहले बैत के साथ उसने सलूक करना, मेरे अहले बैत के साथ उसने सलूक की मैं तुम्हें तलकीन करता हूँ। ये हजरतुल विदा से वापसी के ऊपर कहा था, किन लोगों को? शामियों को और मदीना के रहने वालों को, हजाज के रहने वालों को। लेकिन उम्मत ने क्या किया, उम्मत ने 50 सालों के अंदर अंदर ही जो पूरी नस्ल थी, पूरे अहले बैत थी, उनको ही कत्ल कर दिया, जो कि बहुत बहुत ही हमारा पूरी इस्लामी तारीख में सबसे ज़्यादा अगर कोई गमगीन इवेंट है तो वो ये वाला। मैं कभी इराक तो नहीं जा सका, वहाँ पे तो नहीं देख सका, लेकिन शायद यही जगह हो, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इस जगह से बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसी बात का ख्याल रखना कि हम हर चीज़ में अपने अहले बैत को वो इम्पोर्टेंस दें जो नहीं मिली उस टाइम के दौरे हुकूमत के अंदर, जो ज़्यादतियाँ हुई उनको एटलीस्ट ज़रूर हक और बातिल में जो फ़र्क है वो हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलते हैं बाहर मस्जिद में, जो इमाम हुसैन की मस्जिद है यहाँ पे, इसका मैं एक आपको पूरा ओवरव्यू एक दफ़ा यहाँ से फिर दिखाता हूँ। तो ये था अंदरूनी हिस्सा, अब मैं आपको इसके बाहर का भी एरिया दिखाता हूँ। और ये देखें बहुत बड़े गेट्स हैं और अब हम इनकी जो बाहर वाला सेहन है हम वहाँ जाने लगे। तो ये देखें यार, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि बिल्कुल मदीना मुनव्वरा वाला टच आ रहा है यहाँ पर जो मस्जिद नबवी वाला, तो जो वो छतरियाँ हैं वो भी सेम टू सेम वही वाली लगी हुई हैं यहाँ पर, सेम वही कलर्स ब्लू और वाइट जो आपको मस्जिद नबवी में देखने को मिलती है। तो ये एक छोटा सा इन्होंने आपको फीलर आ जाता है कि ये बिल्कुल मस्जिद नबवी की ही एक छोटी सी टाइप है। तो ये था यार आज का व्लॉग, आई होप आपको मैंने मिस्र की काफ़ी जगह दिखाई होंगी, आपको
पसंद आया होगा सारे के सारे यहाँ के बाज़ार, और जो मैंने आपको मज़ार दिखाया, बाज़ार भी दिखाया और मज़ार भी दिखाया। मिलता हूँ आपसे फिर किसी न्यू वीडियो में। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।